Good morning students, this is your math class and today we will continue exercise 6.2. Question number 4. Write the place of the circled digit in each of the following. Okay, हमने ऊपर सीखा ना place value बताना. इसमें हमने बताया था कि कौन कौन से place पर हैं. से 1, 10, 100 जैसे 100 place पे 4 है तो 400 और इसे 10th प्लेस पे तो 60 इस तरह से प्लेस वैल्यू बताई थी. अब हम इसमें प्लेस बताएंगे कौन से प्लेस पे ऐसे 1th प्लेस पे 10th प्लेस पे या 100th प्लेस पे है तो हमें बताना सर्कल जो नंबर है उनको. देखिए ए पार्ट में 1, 10, 100 सर्कल वाला नंबर जो है 100th प्लेस पे है ना 3 तो हम कैसे बताएंगे यहाँ पे केवल लिख देंगे हंड्रेड्स. क्या देखिए इसमें बी पार्ट में 1, 10 सर्कल नंबर जो है 10th प्लेस पे है तो हम यहाँ पर 10th लिख देंगे. क्या सी पार्ट में देखिए सर्कल नंबर 1th प्लेस पे ही है तो हम यहाँ 1th लिख देंगे. डी पार्ट में देखिए 0, 10th प्लेस पे 1, 10th पे तो यहाँ पर 10th लिख देंगे. हमें इसमें प्लेस बताने हैं. ई पार्ट अब देखिए इसमें 1, 10, 100 प्लेस पे सर्कल है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे. हंड्रेड्स देखिए एफ पार्ट में ये 1th प्लेस पे सर्कल है तो यहाँ पर 1's लिख देंगे. जी पार्ट में जी में 1, 10, 100 प्लेस पे है 5 तो यहाँ पर 100's लिख देंगे. अब इसमें देखिए एच पार्ट में 1th प्लेस पे सर्कल है तो हम यहाँ 1's लिख देंगे. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5. राइट द एक्सटेंशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इसमें क्या करना है ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको एक्सपेंड करके बताना है एक्सटेंशन फॉर्म में. तो देखिए हम कॉपी में करके बताते हैं आपको. ए पार्ट 204 इक्वल टू तो हम कैसे करेंगे इसको 1, 10, 100 तो 200 देखिए नंबर्स कैसे लिख रहे हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं. देखिए 200 है तो ये 2 की वैल्यू कितनी 100 में है तो हम 200 लिखेंगे. उसके बाद 10th स्पेस पे 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. फिर प्लस 1's पे क्या है 4 तो यहाँ 4 आ जाएगा. ओके अब प्लेस वैल्यू जो है जैसे हम प्लेस वैल्यू बताते हैं उसके बाद जितने नंबर होते हैं उनके आगे उतने 0 लग जाते हैं. नाउ सी पार्ट एट हंड्रेड 39 इक्वल टू देखिए 1, 10, 100 8 कितना है 100 प्लेस पे है यहाँ पर कितने आ जाएंगे 8 की वैल्यू 800 हो जाएगी. प्लस 1, 10 3 जो है 10th प्लेस पे है तो 30 उसके आगे 0 लग जाते हैं ना. प्लस 9 ओके नाउ ई पार्ट 573 इक्वल टू 1, 10, 100 100 प्लेस पे 5 है ना तो 500 प्लस 1, 10 7, 10th प्लेस पे तो 70 1th प्लेस पे 3 ओके नाउ जी पार्ट 960 इक्वल टू 1, 10, 100 100 प्लस पे 9 है तो क्या हो जाएगा 900 प्लस 1, 10 60 क्या है 10th प्लेस पे तो 60 1th प्लेस पे 0 है ना तो ये 0 ही आ जाएगा. ओके अब इसके बाकी बचे हुए पार्ट आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. राइट द शॉर्ट फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए अब हमें इन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. ऊपर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है तो ये इसी का उल्टा है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है
हम इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखेंगे। देखिए 400 प्लस 70 प्लस 8, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इक्वल टू 8, 70 है तो 7 टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और 400 है तो 400 प्लेस पे आ जाएगा, तो 478। बी सी पार्ट, 600 प्लस 60 प्लस 6, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 1 प्लेस फिर 10 प्लेस, 60 है तो फिर यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 100 प्लेस पे भी 6 है तो 100 प्लेस पे भी 6 आ जाएगा, तो हमारा नंबर क्या बन गया, 666। ओके ई पार्ट, 800 प्लस 90 प्लस 5, तो 1 प्लेस, सबसे पहले 1 प्लेस ही लगते हैं इसमें, 5 फिर 10 प्लेस पे 9 और 100 प्लेस पे 8, 895। जी पार्ट, 100 प्लस 40 प्लस 3, हम इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 1 प्लेस 3, 10 प्लेस 4, 100 प्लेस 1, तो 143। इसके ये बाकी बचे हुए पार्ट आप अपने आप करेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इन जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर नेम्स दिए हुए हैं, इनके नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, ए पार्ट 362, तो हम कैसे लिखेंगे, 362। बी पार्ट 628। सी पार्ट 123। 446। ई पार्ट 719, तो 719। एफ पार्ट 907, 907। 370, तो 370। एच पार्ट 502, तो 502। ओके अभी सारी एक्सरसाइज आप फिर से अपनी बुक में करेंगे, और जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछेंगे। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।